लेकिन मेरा जहां सरना है और मेरा जहां पे मसना है और जहां पे मेरा आपको मड़ाई है, उसको यार क्यों तोड़ रहे हो? बहुत आसानी से, बहुत आसानी से तोड़ दे रहे हो। अरे भैया, तो हम तो क्या करें, हम तो प्रकृति को मानने वाले लोग हैं। हमारा तो कोई चीज में है नहीं, ना ग्रंथ है। हम गीत गोविंद के माध्यम से अपने इतिहास को जानते हैं, कहानी के माध्यम से बहुत कुछ को हम व्याख्या करते हैं। तो ये जो बाहरी जो व्यापारी लोग हैं, इन लोगों को समझना। इन्वेस्टर का मैं विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन सामाजिक सौहार्द को अगर बिगाड़िएगा तो आपको कौन मनाया, यहाँ कौन बुलाया है? बिन बुलाए मेहमान है एक तो आप। अपने प्रदेश को हम मणिपुर नहीं बनने देना चाहते हैं। अपने प्रदेश का जो अभी तक की जो सौम्यता है, हमारी जो मासूमियत है, उस मासूमियत की मुस्कान को हम छीनने नहीं देंगे। बहुत सारे लोग आएंगे, अगर आप व्यापार नहीं करोगे तो बहुत सारे दूसरे व्यापारी आएंगे, और वैसे व्यापारी को लाएंगे जो सामाजिक सौहार्द को बना करके रखे। तो आज के तारीख में मैं इसीलिए बहुत काफ़ी दिनों से चिंतित था कि काफ़ी जो लड़के जिनके ऊपर में FIR वगैरह हुआ है, किसान जो हैं, लेकिन चूंकि पैसा वाला पार्टी है, मैनेज करने का पावर क्षमता है, पूरा भाजपा का लोग, रघुवर दास से लेकर के तमाम जितने जो है पदाधिकारी जो थे, अधिकारी थे, पूरा भाजपा का लोग उनके समर्थन में आ गया। तो मैं बोला कि भाई ये भाजपा कांग्रेस और JMM की बात तो है नहीं यहाँ पे, यहाँ पे किसान और व्यापारी की बात थी, उसको यहाँ पे भाजपा कांग्रेस लाया। अच्छा, वो तो वो हुआ। दूसरा चीज हुआ क्या, कब्रिस्तान को एक्वायर किया गया है, और जबरदस्ती ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे हमको अराल में 8-10 फीट रास्ता चाहिए। और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, कब्रिस्तान को बड़ा पवित्र चीज मानते हैं, उसमें वो छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करते हैं। और मुझे ये बात भी पता चला कि संचालक के द्वारा ये कहना कि हम पाकिस्तान भेज देंगे, अरे तुम कहाँ से आए हो, तुमको लोग नहीं जानता है, लेकिन जो कब्रिस्तान वाले लोग हैं वो खतियानी लोग हैं भैया। वाइल्ड वादी वाटर पार्क को लेकर हमने आपको एक स्टोरी दिखाई थी कि किस तरह गांव के तालाब के गंदे पानी का यूज वाटर पार्क के लिए किया जाता है। इस वाटर पार्क के मसले से पहले वहां के लोगों ने, वहां के स्थानीय लोगों ने सरना की जमीन और मुसलमानों के कब्रिस्तान की जमीन को हड़पने का आरोप वाइल्ड वादी वाटर पार्क के संचालक शैलेंद्र कुमार जायसवाल पर लगाया था। और इन आरोपों को लेकर वहां के संचालक ने टिपुदाना थाने में FIR किया था कि गांव के लोग हमसे रंगदारी मांग रहे हैं और मेरे साथ मारपीट की गई है। फिलहाल इस मामले के बाद गांव में एक ग्राम सभा भी हुई थी, लेकिन उसके बाद हमें लगा कि मामला शायद थोड़ा शांत हो गया, लेकिन आज जिस तरह से स्थानीय विधायक राजेश कच्छप ने इस मामले को झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में उठाई है, ये जानना बिल्कुल लाजमी हो जाता है कि क्या अब तक यह बात शांत हुई है या अभी यह मामला चल रहा है। फिलहाल राजेश दा हमारे साथ हैं। दादा, सबसे पहले तो जोहार। दादा, थोड़ा वाटर पार्क के बारे में समझना चाहेंगे कि यह विवाद हमें लगा उस ग्राम सभा के बाद थम गया है, लेकिन जिस बेबाकी के साथ आपने आज सदन में अपनी बात रखी है, हमें लग रहा है कि ये मामला अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, ये मामला शांत नहीं हुआ था। देखिए, वो पैसा वाला पार्टी है और वहाँ पे हमारे आमजन रहते हैं, गरीब किसान रहते हैं, मजदूरी करने वाले लोग रहते हैं, जो अपने खेत खलिहान से तकरीबन संतुष्ट है और पूरे सामाजिक सौहार्द के साथ में अभी तक जीवन यापन कर रहे हैं। देखिए, वाटर पार्क जब से बना है वहाँ पे एक देखा ये जा रहा है कि लोगों का शिकायत, वहाँ पे पढ़ा की बैठक हुई, वहाँ पे ग्राम सभा हुई, वहाँ पे मैं भी गया, मुझे भी बुलाया गया, चूँकि जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे बुलाया गया, सारी जो दुखड़ा मुझे बताया गया। देखिए, वहाँ पे हो ये रहा है कि जो वाटर पार्क है, वाटर पार्क के पास में उतना अपना जमीन नहीं है, वो पूरा जो ग्रामीणों का आरोप है कि पूरा का पूरा, जिसको कहा जाता है दबंगाई के साथ में एक्वायर किया हुआ जमीन है। वहाँ पे सरना स्थल भी है, और सरना स्थल कोई बाउंड्री किया हुआ चीज तो होता नहीं है। यहाँ का जो प्राकृतिक को पूजने वाले लोग हैं, जो सरना समुदाय के लोग हैं, जाहिर सी बात है पहाड़ में
पहाड़ को पूजा करते हैं वही सरना है हमारा, पेड़ पौधे हैं वही सरना है हमारा। तो हमारा जो सामाजिक व्यवस्था है, वो जो वाटर पार्क का संचालन है, इस चीज़ को नहीं समझ पाया संचालक, और उसको भी एक्वायर कर दे तो लोग जाएंगे पूजा पाठ करने के लिए। उन लोगों को लगता है कि यहाँ कहाँ कोई पूजा करने के लिए आता है। अरे आदिवासी लोग साल में 6-7 बार ही जाते हैं, 6-7 बार जाते हैं, उसके बाद में फिर वो जहाँ है वहाँ वैसे ही रहता है। और देखिए कि उसको एक्वायर किया गया है, वहाँ जो कब्रिस्तान है कब्रिस्तान को एक्वायर किया गया है, और जबरदस्ती ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे हमको अराल में 8-10 फीट रास्ता चाहिए। और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, कब्रिस्तान को बड़ा पवित्र चीज़ मानते हैं, उसमें वो छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करते हैं। और मुझे ये बात भी पता चला कि संचालक के द्वारा ये कहना कि हम पाकिस्तान भेज देंगे, अरे तुम कहाँ से आए हो तुमको लोग नहीं जानता है, लेकिन जो कब्रिस्तान वाले लोग हैं वो खतियानी लोग हैं भैया, वहाँ खतियान, वहाँ बाप दादा से, चाहे वो हिंदू हो आदिवासी हो मुसलमान हो, एक जगह खेत है एक जगह खलियान है। अगर इस प्रकार की अगर बात अगर निकलेगी तो उनके द्वारा वो उनकी मानसिकता को दर्शाता है। दूसरी चीज़ क्या है कि गर्मी का मौसम में बगल में तालाब है, 2-4 तालाब हैं, एक नदी है जिसको गांव वाले लोग बांध करके रखा हुआ है। बांध करके रखा हुआ है इसलिए कि वहाँ पर उनके मवेशी वहाँ का पानी पी सके, जंगली जीव जंतु जो है वहाँ का पानी पी सके, और वहाँ जो ग्रामीण जो है वहाँ पे स्नान वगैरह कर सके। वहाँ का पानी को भी पर डे वो 60-70 टैंकर में ले जाता था, तो ग्रामीणों ने उसका भी विरोध किया। तो उनका कहना है कि पानी तुम्हारा नहीं ना है, ठीक है पानी तो उसका नहीं है, लेकिन गांव चलता है ग्राम सभा से, गांव में कोई भी निर्णय होता है तो सामूहिक होती है, और वो जो उसका जो पानी जो डैम जो चेक डैम बांधा हुआ था, जो वहाँ के ग्रामीणों के द्वारा बांधा हुआ था, वो वहाँ के पशु पक्षी जीव जंतु नहाने धोने के लिए, उस पानी को अगर समाप्त कर दिया जाएगा तो उनके जो मवेशी कहाँ का पानी पीते हैं, मामला ये था। दूसरा चीज़ है कि मेरे सामने ही जब मैं गया था, वो जो पढ़ा की जब बैठक थी तो मैं गया था, तो वहाँ देखा क्या कि एक महिला आई, जो महिला आई जो मुझे लगता है कि पाहन परिवार से है, उसका ज़मीन को ज़बरदस्ती उसका बेटा वगैरह को जो नाबालिग है एक, तो उन लोगों से लिखवा लिया है, वो भी एग्रीमेंट करवा लिया है, और कहा गया कि अगर नहीं दोगे तो जैसे जो महिला बताई कि जान से मार देंगे, धमकी दिया है। तो वो महिला जो आप बीती बताई, महिला उनके पास जाती थी लेकिन महिला से ये मिलता नहीं था, महिला से नहीं मिलता था, और उसको बोलता था कि जो तुमको करना है तुम कर लो, तुम्हारा ज़मीन तो तुम्हारे हाथ से निकल गया, तुमको पैसा पकड़ना है तो पकड़ लो। देखिए यहाँ पे आदिवासी समुदाय जो है वो ज़मीन से ही जीवित रह सकता है, वो पैसा से बहुत पैसा को बहुत ज़्यादा दिन बचा करके नहीं रख सकता है, क्योंकि उसकी जो मानसिकता है आज है आज, मतलब वो बहुत ज़्यादा तनाव में जीने वाला प्राणी नहीं है, कमाता है खाता है अपना भाषा संस्कृति के साथ अपना मस्त रहता है। दूसरी चीज़ है क्या कि जो पता चला कि बीच में वो FIR किया, थाना में FIR किया, थाना में FIR इसलिए किया, आरोप ये वो ये लगाया कि उसको रोक करके मारा। अरे जब मैं पता किया, देखिए उनसे ज़्यादा मेरा आदमी है क्योंकि प्रतिनिधि हूँ, मैं जब पता किया तो देखता क्या हूँ और सुनता क्या हूँ कि वास्तव में वो खुद नशा में गिरा हुआ था, वो स्कूटी से नशा में गिरा, और लेकिन उसको एक मौका लग गया, उन्होंने FIR कर दिया कि भैया उसको मारा है। तो मारेगा कोई तो चेहरा में खरोच वाला मार थोड़ी मारेगा, घुटना में कैसे छोछराया, वो जिसको छोछराना कहा जाता है वो कैसे छोछराया, घुटना में तो कोई उसको छोछराया नहीं होगा, गिरा है तभी वो छोछराया होगा। तो वो एक मसला हो गया, लेकिन चूंकि पैसा वाला पार्टी है, मैनेज करने का पावर क्षमता है, पूरा भाजपा का लोग रघुवर दास से लेकर के तमाम जितने जो है पदाधिकारी जो थे अधिकारी थे, पूरा भाजपा का लोग उनके समर्थन में आ गया। तो मैं बोला कि भाई ये भाजपा कांग्रेस और JMM की बात तो है नहीं, यहाँ पे किसान और
वो व्यापारी की बात थी, उसको यहाँ पे भाजपा कांग्रेस लाया। अच्छा वो तो वो हुआ। दूसरा चीज हुआ क्या कि जो मुस्लिम जो लड़के जो नौजवान थे जिनको डे वन जिन्होंने उनको साथ दिया, उन तमाम मुस्लिम जो जिनको बाउंसर हो रखता था, बाउंसर भी अभी कुछ चला हुआ है, तमाम मुस्लिम लड़का को ही निकाल दिया। अब मुझे ये समझ में नहीं, अच्छा गलती किया तो एकादो मुस्लिम मतलब सबका सब गलती कर गया, वहां का जो आदिवासी लड़का था उसको निकाल दिया, और ये कहना कि हम पाकिस्तान भेज देंगे, हम बोले तुम कहाँ से आए हो पहले उसको देखो ना, पाकिस्तान तो तुम बाद में दे हो। तो ये फर्जी लोग हैं। मैंने अंचल अधिकारी से भी बात किया, बोला कि ये इसको किस टाइप से मिला, जमीन कैसे ये इनको वाटर पार्क, आपसे परमिशन लिया क्या? अंचल अधिकारी का रिपोर्ट था कि नहीं, उन अंचल के से परमिशन नहीं लिया है। तो मैंने कहा है कि मुझे सारा रिपोर्ट दीजिए, लेकिन चूंकि अंचल अधिकारी छोटे अधिकारी होते हैं, कहीं कहीं हाई लेवल प्रेशर भी रहता है, बड़े लीडर भी फोन करते हैं तो साहस नहीं कर पाते हैं कि सच्चाई को बताने का। खैर जो वो अधिकारी कर सकते हैं, लेकिन एक जनप्रतिनिधि तो नहीं कर सकता है। दूसरी चीज क्या है, पता ये चलता है कि जब यहाँ पे आपका यहाँ पे कुछ इन्वेस्टरों को बुलाया गया था, जब यहाँ ग्लोबल समिट कराया गया था, मोमेंटम झारखंड किया गया था रघुवरदास की सरकार में, उस दरमियान हुआ क्या कि कोई दूसरी कंपनी को वहाँ पे बैठाने के 1 रुपया में रजिस्ट्री करा दिया था रघुवरदास की सरकार ने, कुछ जमीन रजिस्ट्री कराया था लेकिन वाटर पार्क के लिए नहीं किया था। अब तो सवाल ये आता है कि वो जो जमीन जिस मकसद के लिए किया गया था, जिस मकसद के लिए किया गया था वही उस वहां पे खुलना चाहिए था। अगर चप्पल का दुकान खोलने के लिए दिया गया था तो चप्पल का दुकान खुलना चाहिए था, टायर का अगर फैक्ट्री के लिए दिया गया तो टायर का फैक्ट्री खुलना चाहिए वहां पे, लेकिन यहाँ पे खुल गया वाटर पार्क। तो ट्रांसफर कैसे हुआ ये भी आपके चैनल के माध्यम से मैं जानना चाहूंगा। चैनल में नहीं जाऊंगा मैं, उसको बकायदा सिस्टम में जांच में मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि लड़ाई जो है कि कलम की लड़ाई लड़नी चाहिए, शारीरिक लड़ाई पे मैं विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं नाथूराम गोडसे पे विश्वास नहीं करता हूँ, मैं गांधी पे विश्वास करने वाला व्यक्ति हूँ। दूसरा देखिए, एक बड़ा मज़ेदार बात है कि वहाँ जो संचालक है वो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समझता है। वो जो लोग बोला, मुझे भी लग रहा था, पहले लग रहा था कि भाई भारतीय जनता पार्टी के लोगों को किसान के साथ आना चाहिए, व्यापारी के साथ क्यों आ रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, इनडायरेक्टली मुझे लगता है कि उनके साथ में जुड़ा हुआ है। देखिए वो जो इन्वेस्टर को जो दिया गया था, जो यहाँ पे जब रघुवरदास की सरकार में, तो अब तो इन लोगों का मनोबल इसलिए भी बढ़ गया कि अब तो क्योंकि ग्राम सभा को इन लोगों ने खत्म कर दिया, सेंट्रल की एक पॉलिसी आई है उसमें जो है कि को सरकार चाहे तो कोई भी कंपनी को लगा सकता है, चाहे वो जंगल में हो, पहाड़ में हो, सरना स्थल पे हो। एक बड़ा समझ में नहीं आता है, देखिए मैं किसी भी जात और किसी भी धर्म के बारे में नहीं कहता हूँ और ना ही मैं धर्मांध हूँ, लेकिन मैं संविधान पे विश्वास करने वाला व्यक्ति हूँ और इसमें ये जरूर बोलूँगा कि सरना और जो मड़ई होता है, देखिए उसको बाहर से जो लोग आ रहे हैं आपको समझना पड़ेगा, ये आस्था का चीज़ है, और यही सरना और मड़ई को मानने वाले लोगों के चलते ही बिहार राज्य से झारखंड अलग हुआ है, इस बात को समझना पड़ेगा। लेकिन आज जो बाहर से जो लोग कुछ लोग आ रहे हैं, हर चीज़ को हमारा जो सामाजिक धरोहर है, हमारा जो धार्मिक धरोहर है, उसको उजाड़ते जा रहे हैं। अरे भैया पूरा दुनिया है तुम्हारे रहने के लिए, वहीं तुम क्यों कर रहे हो, कभी रिंग रोड बना रहे हो, कहीं और कुछ बना रहे हो। लेकिन देखता ये हूँ तो बड़ा ताज्जुब लगता है। देखिए मैं हर धर्म के बारे बोलूँगा, आप एक चीज गौर करिएगा कि जहाँ पे मंदिर रहेगा वहाँ नहीं तोड़ा जाता है, वो जगह को छेड़छाड़ भी नहीं किया जाता है क्योंकि मंदिर है। जहाँ पे मस्जिद भी रहेगा उसको भी नहीं छेड़छाड़ किया जाए, उसको भी नहीं तोड़ा जाता। जहाँ चर्च भी रहेगा उसको भी नहीं तोड़ा जाता, जहाँ गुरुद्वारा रहेगा उसको भी नहीं तोड़ा जाता है। अरे बूढ़ा पहाड़ जो हमारा संपत्ति है, आपका पारसनाथ,
उसको हम तोड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन मेरा जहां सरना है और मेरा जहां पे मसना है और जहां पे मेरा आपको मड़ई है उसको यार क्यों तोड़ रहे हो? बहुत आसानी से, बहुत आसानी से तोड़ दे रहे हो। अरे भैया तो हम तो क्या करें, हम तो प्रकृति को मानने वाले लोग हैं, हमारा तो कोई चीज में है नहीं, ना ग्रंथ है, हम गीत गोविंद के माध्यम से अपना इतिहास को जानते हैं, कहानी के माध्यम से बहुत कुछ को हम व्याख्या करते हैं। तो ये जो बाहरी जो व्यापारी लोग हैं इन लोगों को समझना, इन्वेस्टर का मैं विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन सामाजिक सौहार्द को अगर बिगाड़िएगा तो आपको कौन मनाया, यहाँ कौन बुलाया है, बिन बुलाए मेहमान है एक तो आप, अब व्यापारिक दृष्टिकोण से आए हैं और पता ये चल रहा है कुछ लोगों के ऊपर में एक झूठा मुकदमा भी इन लोगों ने लगवाया है, रंगदारी का लगवाया है, उन लोगों ने मुकदमा उनको डराने धमकाने का लगाया है। ठीक है, ये इन्वेस्टिगेशन का मामला होगा, लेकिन एक चीज है, मैं ये भी उनको जरूर चेतावनी देना चाहता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन में आप जो कर लीजिए, सच्चाई तो सच्चाई ही रहेगा, लेकिन अगर आप अगर गलत अगर FIR किए हैं तो कानून के दृष्टिकोण से ही आपको भी सजा मिलनी चाहिए। और जो है सबसे बड़ी सजा है कि आप जो वहाँ सामाजिक सौहार्द को खराब कर रहे हैं, हम चूंकि अपने प्रदेश को हम मणिपुर नहीं बनने देना चाहते हैं, अपने प्रदेश का जो अभी तक की जो सौम्यता है, हमारी जो मासूमियत है, उस मासूमियत की मुस्कान को हम छीनने नहीं देंगे। बहुत सारे लोग आएंगे, अगर आप व्यापार नहीं करोगे तो बहुत सारे दूसरे व्यापारी आएंगे और वैसे व्यापारी को लाएंगे जो सामाजिक सौहार्द को बना करके रखे। तो आज के तारीख में मैं इसीलिए बहुत काफ़ी दिनों से चिंतित था कि काफ़ी जो लड़के जिनके ऊपर में FIR वगैरह हुआ है, किसान जो हैं, किसान उनको भी लग रहा था कि हम लोग माननीय विधायक को इस बात से अवगत कराए, लेकिन माननीय विधायक भी कुछ नहीं कर रहे, ऐसे उनको लगता होगा। लेकिन हमारी सबसे बड़ी पंचायत राज की विधानसभा होती है, हम क्षेत्र की समस्याओं को अगर हम विधानसभा के पटल पे अगर हम रख पाते हैं, हम उस बिंदु के लिए या उस समस्या के लिए अगर उस सबसे बड़े पंचायत में अगर उस मुद्दा को रख पाते हैं, तो उससे बड़ा जहाँ पे संवाद या उससे बड़ा पंचायती और कहीं नहीं मिलेगा। उसके बाद में बाकी अब तो जांच होनी चाहिए। आप इसकी जांच करवाना चाह रहे हैं, जमीन पे भी गांव वालों का आरोप है कि GM लाइन पे बना है, बहुत सारे चीजें हैं, उनके मालिक का कहना है, संचालक का कहना है कि उनको हजाम जो गांव का नाम है उससे भी आपत्ति है, उनका कहना है कि हम देवी मंडप इस जगह का नाम रखेंगे, और उन्होंने अपने पार्क की गली का नाम भी देवी मंडप रखा हुआ है, देवी मंडप रोड। क्या कहेंगे दादा, आपने जो सवाल किया था आपसी सौहार्द बिगाड़ने की, ये शायद संचालक उसी ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, अगर ये किया है, ये नया चीज जो है, नया जो कर रहा है, देखिए अगर आपको अगर नाम वगैरह चेंज करना है तो UP वगैरह में चेंज करिए, झारखंड में क्यों करिएगा? अरे इन लोगों की मानसिकता तो ऐसे है, चूंकि समर्थन में पूरे भारतीय जनता पार्टी के मान लीजिए रघुवर दास जी आए या फिर उनके जो कार्यकर्ता आए, अरे जो लोग बिरसा मुंडा जी के जो चौक है बिरसा चौक, उसको नहीं पचा पा रहे हैं और वहां पे एक नया स्टेचू का निर्माण करा रहे हैं, उन लोगों से और क्या अपेक्षा की जा सकती है? संजय सेठ यहाँ के सांसद हैं, उनके द्वारा यहाँ पे स्थापित स्टेचू है, और बोलेंगे आप बोलिएगा तो बोले कि यहाँ का आदिवासी लोग लड़ता है, यहाँ का झारखंडी लोग लड़ता है। अरे तुमको कौन बनाने के लिए बोला था, तुमको कौन यहाँ पे बनाने के लिए बोला था? ठीक है, महापुरुष हैं तो जहाँ जहाँ उनका जगह है वहाँ लगा दीजिए ना भैया, झारखंड के लिए क्या, झारखंड विरोधी तो रहे हैं वो, जिनका अब ये मूर्ति लगाना चाह रहे हैं वो तो झारखंड विरोधी रहे हैं, झारखंड के समर्थक भी नहीं रहे हैं कि हम उनका यहाँ पे मूर्ति लगाएं। कैलाशपति जी ठीक है एक लीडर थे, मैं सम्मान करता हूँ वो, लेकिन वो झारखंड के हितेशी नहीं थे, झारखंडी बनने के हित में नहीं थे, झारखंड के विरोधी थे, तो उसको झारखंड में क्यों बैठा रहे हो यार? तो देखिए उसी प्रकार से हजाम जो गांव है, मेरा परंपरा पौराणिक गांव है, तेरा बाप का राज थोड़ी है जो तुम, ठीक है तुम लोगों को सत्ता मिल जाता है तो तुम लोग तो गलत सलत करते हो, जैसे बिरसा चौक में कर रहे हो,
लेकिन हम लोग तो भाई हमारा जो है उस पे हमको यकीन है, हमारा जो है उससे हमको संतुष्टि है। देखिए ये लोग जो है एन केन प्रक्रेन हमारे हिंदू मुस्लिम का लड़ाई लड़ाना चाहता है, मुस्लिम आदिवासी का लड़ाई लड़ाना चाहता है, और ताकि वहाँ पे अपना जो व्यापारिक और राजनीतिक रोटी को ये लोग सेक सके। आने वाले दिनों में देखिए ये इनकी मंसूबा को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे, वो तो राजनीत बात रही, लेकिन जो संचालक है उसकी मानसिकता भी, अरे यार व्यापार करने के लिए आया था, गांव का आदमी को ले दे करके चलता, तुम धर्म पे आ रहे हो, तुम गांव वाला को धमका रहे हो, आदिवासी पहनाइन जो है उसको तुम धमका रहे हो, तुमको अगर चाहिए था वहां पे जमीन, तुम सरना का जमीन को छोड़ देते, कब्रिस्तान का जमीन को छोड़ देते, और जो तुम जमीन लिए हो, एक है मतलब कि तीन चार लोगों का जमीन है, एक आया था मेरे पास में क्या कोई महतो, जैनात महतो का, वो भी फरियादी बन करके आया था, पाहन भी आया था, मुस्लिम लोग भी कब्रिस्तान बन करके आए थे। तो यहाँ तो सारे लोगों का जमीन है, हिंदू का भी है, आदिवासी का भी है और मुसलमान का भी है, तो तुम व्यापारिक रोटी सेकने के लिए तुम गलत करवा रहे हो। तो आज अगर उनको, अगर वास्तव में अगर वो दबंगाई नहीं करता व्यापार का, तो उनके साथ तालमेल बना करके उसको करना चाहिए था। उनका जो लीज में भी लोग लेता है, तुम लीज में लेते और उसकी जो मासिक जो उसका एक रेंट फिक्स कर देते, रेंट फिक्स करते, अपना व्यापार करते, मना कौन किया था। लेकिन तुम अगर जमीन हड़पना चाहो तो तुमको जमीन कौन हड़पने देगा, और सरना का जमीन को तो भुला जाए, वो सरना का जमीन को भुला जाए। अभी जांच करना, अभी आज मैंने जांच का डिमांड किया है। अच्छा। जांच होगा, रिपोर्ट आएगा, अगर गलत है तो उसको हटना पड़ेगा, हर प्रेम से हटना पड़ेगा। दबंगाई करेगा तो गांव वाला से बेसी दबंग है का, अरे गांव वाला को तो हम लोग रोकते हैं कि भाई कोई भी किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा मत करो, लेकिन जबरदस्ती अगर तुम हमको जबरदस्ती मेरे सर पे आ करके अगर तुम अगर पेशाब करोगे तो हम कब तक चुप रहेंगे। हाँ तुम लोग तो पेशाब करने वाले लोग भी हो, एक आदिवासी पे पेशाब कर दिया उसके सर पे, उसके बाद में उसका पैर का धो करके उसको पी गया कि क्या किया भगवान जाने, इससे बड़ा कलाकार ये लोग से बड़ा ड्रामेबाज और कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि ये लोग तो सरना का मट्टी को भी उठा करके अयोध्या ले जाने के नाम से यहाँ से शाम में चला, सुबह यहाँ रांची में फिर दिख रहा है, तो मट्टी को फेंक करके ही आया, तो इन लोग के पास तो धार्मिक आस्था भी नहीं है, तो इन लोगों पे क्या विश्वास करना है। तो वो जो संचालक है ना, संचालक है, अगर गलत किया है तो उसको प्रेम से हटना चाहिए, और अगर FIR किया है, गलत FIR किया है, उसी FIR में वो उल्टा फंसेगा और उसी FIR में वो जेल भी जाएगा। पर अगर वो अगर शराबी है तो हमारा लोग तो रोज हड़िया पी करके लड़ता है लेकिन सुबह ठीक हो जाता है। सही गलत का ज्ञान है, एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, और ये जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा है तो उसका मतलब उन लोगों को ज्ञान नहीं है, ज्ञानी है लेकिन पढ़ा लिखा नहीं है। बिल्कुल, राजेश दा ने एक बात बहुत अच्छी कही कि सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा होती है, और विधानसभा के मानसून सत्र में जिस तरीके से दादा ने बेबाकी से जमीन हड़पने की बात को रखा और जांच की मांग की है, अब देखते हैं कि जांच कहां तक जाती है। लेकिन दादा का शुरू से इस मसले पर समर्थन रहा है, ग्रामीणों के साथ इन्होंने अच्छा तालमेल बनाया है, ग्रामीण भी दादा की बातों से सहमत है, और फिलहाल दादा के पास सारे लोग आए थे इनसे मदद मांगने, और दादा ने मदद के जरिए आज विधानसभा में अपनी बात को रखा है। फिलहाल जनता जो उम्मीद करती है कि विधानसभा में हमारे प्रतिनिधि हमारी आवाज़ बने, तो दादा आज उनकी आवाज़ बन के इस मामले को उठाए हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि जांच कहां तक पहुंचती है, लेकिन दादा को धन्यवाद समय देने के लिए। दादा बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। मिलते हैं दूसरी खबरों के साथ, तब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।